नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में डालें। नवजात बच्चे का भी बनवाया जा सकता है आधार, कई जगहों पर आता है ये काम। दोस्तों, आधार हमारे देश में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बड़ों से लेकर बच्चों तक के लिए कई जगहों पर ये अनिवार्य है। आपको बता दें कि स्कूल में एडमिशन सहित कई जगहों पर बच्चे का भी आधार मांगा जाता है, और कई लोगों को यह मालूम ही नहीं होता कि बच्चे का आधार कार्ड कैसे बनवाया जाता है या फिर इसे बनवाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया। यदि बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो इसके लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड पंजीकरण केंद्र में जाकर उसके नाम का एक फॉर्म भरना होगा। नाम के फॉर्म के साथ जन्म प्रमाण पत्र और अपने आधार कार्ड की कॉपी भी देनी होगी। जब आप अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाने जाएं तो अपना ओरिजिनल कार्ड भी साथ में लेकर जाएं। 5 साल से छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए बायोमेट्रिक जांच नहीं होगी, यानी कि उसके फिंगरप्रिंट और रेटिना का स्कैन नहीं लिया जाएगा, उसकी सिर्फ फ़ोटो ही काफ़ी है। बच्चे का कार्ड उनके माता पिता के आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, लेकिन बच्चे के 5 साल का होने पर अपने 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन और फोटोग्राफ देनी होगी। यदि बच्चे की उम्र 5 साल से अधिक है, यदि 5 साल से अधिक बच्चे वाले आयु वाले बच्चों का आधार बनवाने के लिए पंजीकरण के साथ ही उनसे जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी और स्कूल का पहचान पत्र देना होगा। इसके अलावा यदि उस समय बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में नहीं हुआ है तो माता पिता का आधार कार्ड की फोटोकॉपी राजपत्रीय अधिकारी यानी कि गजेटेड ऑफिसर या फिर क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा सत्यापित करवा लिया गया हो। एड्रेस प्रूफ के लिए राजपत्रीय अधिकारी या फिर क्षेत्रीय सांसद या फिर विधायक या फिर तहसीलदार या मीन्स की या फिर ग्राम पंचायत या उसके बराबर प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र मतलब तस्वीर सहित ही मान्य होगा। इसके अलावा आवेदक की सभी उंगलियों के फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन और फोटोग्राफ भी लिए जाते हैं। आपको बता दें कि अगर बच्चे की उम्र 15 वर्ष से कम है तो 15 वर्ष की उम्र पार करने के बाद उसे फिर से बायोमेट्रिक्स की प्रक्रिया से गुजरना होगा, और 5 साल तक के बच्चों के लिए नीले रंग के आधार कार्ड जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। इससे मोटिवेशन मिलता है, और हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।